कथी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लस ज्ञात करें। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लस ज्ञात करें। ये आपको टेंथ क्लास में भी पूछता है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है, समझे? तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे है और इस विधि द्वारा हम मसा भी कैसे निकालेंगे और लसा भी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ एक ही ट्रैक पर दोनों बन जाएगा, आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं, आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहे। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कह रहा है कि 12 और 40। क्या क्वेश्चन दिया आपको? 12 और 40। तो 12 और 40 का हमें क्या करना है? मसा निकालना है। क्या निकालना है? मसा। और इसके अलावा हमको लसा भी बताना है, यानी एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम अलग अलग तरीके से नहीं निकालेंगे, एक ही तरीके से निकालेंगे। दोनों को गुणनखंड निकाल करके ही बनाएंगे। लेकिन देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले हमें क्या करना है, जब भी अगर बोल दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, तो एचसीएफ या एलसीएम, यानी आपको एचसीएफ भी बोलेगा तब पर भी या एलसीएम बोलेगा फिर भी, हमें क्या करना है, इसी विधि के हिसाब से हम दोनों भी निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए 12 लिखा था, हम पहले यहाँ पर 12 लिखेंगे। 12 लिखने के बाद इसको ऐसे जिस प्रकार से हम लसा निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से हम एक एक संख्या को अलग अलग करके तोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक संख्या को अलग अलग तोड़ेंगे। और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करें। जैसे हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। 2 से ना लगे तो 3 से लगाएंगे, 3 से ना लगे तो 4 से लगाएंगे, 4 से ना लगे तो 5 से लगाएंगे। उसी प्रकार से जितनी संख्या तक न लगेगी, हमारी कोशिश रहेगी उतनी आगे आगे तकले संख्या में बढ़ते जाना है। तो जैसे हम 2 से लगाएं, तो 2 से लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा हम कितना मरते पड़ेंगे कि 12 आ जाए। या अगर आपको पहाड़ा में, जैसे यहाँ पर छोटी सी संख्या है तो 2 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या आएगा तो उस समय हम क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, या 2 से पहाड़ा पड़ने की मतलब है, या उस समय आप क्या कर लीजिए, उसको आधा कर लीजिए 2 से। तो यहाँ पर 2 से जैसे आपको डिवाइड देना है तो 2 छक्का 12, क्या आया? 2 छक्का 12। तब 6 मरतबे तो कट गया। फिर हमको देखेंगे इसमें किससे लगने वाला, 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा कि 4 से लगेगा, 5 से। तो जो संख्या सबसे छोटी होगी, कोशिश करेंगे उससे लग गया तो हम पहले उसी से लगा लेंगे, फिर हम 2 से लगाएंगे। तो 2 का टेबल हम कितने मरते पढ़ेंगे तो आपको 6 आएगा, 3 मरतबा। क्या मरतबा? 3। जैसे 2 का 2, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 मरते कट गया, कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पर हम फिर देखेंगे 2 से लगाने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पर आप 2 से लगेगा? संभव है आपको? नहीं लगेगा। तो जब 2 से ना लगेगा तो हमारी अगली अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। तो कोशिश करेंगे 3 से लगाएंगे, तो 3 एकम 3। तो जब नीचे 1 आ गया तो यहाँ पर अब कहानी खत्म, यानी इससे आगे हम इसको लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ हम लिख देंगे 12 बराबर जो भी संख्या जो आउट ऑफ आया, यानी बाहर आया, उसको हम लिख लेंगे। पहले 2 आया है मल्टीप्लाई, फिर से 2 आया है मल्टीप्लाई, फिर 3 आया है मल्टीप्लाई, फिर 1 है तो 1 को भी आप दे दीजिए। ना दीजिएगा 1 को तब पर भी सही है, दे दीजिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत होता नहीं। अब चलिए हम तो 12 को निकाल लिए, अब हमें किसका निकालना है? 40 का। तो इसी प्रकार से हम 40 भी निकालेंगे जिस प्रकार से हमने क्या निकाला, 12 निकाले। आप देखिए जैसे अब 40 निकालेंगे तो फिर भी यहाँ हम कितने से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 2 से क्या मरते लगेगा? 20 दुना 40। अब जैसे 20 दुना 40 लगाए, क्या लगाए? 20 दुना 40। तो फिर यहाँ पर देखेंगे हमारा 2 से बनने वाला है कि नहीं है, तो हम फिर 2 से लगाएंगे, 2 दाई 20, 2 दाई 20। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10,
अब यहाँ पर हमारा दू से अब लगने वाला नहीं है, दू से लगने वाला नहीं है। तब दू से जब ना लगने वाला है तो क्या हम तीन से लगाएंगे? तीन के टेबल में भी नहीं है, तो हम अगली अभाज्य संख्या कौन है? पांच। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे पांच से, तो पांच एक कम पांच। तो आप देखिए फिर यहाँ पर लास्ट एक आ गया, जब लास्ट हमारा एक आ गया तो वहां पर हम रुक जाएंगे क्योंकि वहीं तक तो जाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रहेगा संख्या 40 है तो आप 40 लिख लेंगे और बराबर दे देंगे, जो भी बराबर की है सॉरी बाहर है संख्या उस सबको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। पहले क्या है, दो है, फिर उसके बाद क्या है, दो है, फिर उसके बाद क्या है, दो है, उसके बाद क्या है, पांच है, उसके बाद एक है। वही बोले हैं कि एक आप लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। आप कहेगा कि सर इसमें लस कैसे निकालेंगे और मस कैसे निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि तो इसी को कहते हैं, लेकिन इसमें हमको मस कैसे निकालेंगे और लस कैसे निकालेंगे? तो मस निकालना है तो देखिए मस यानी एच सी एफ इसको बोलते हैं, मस क्या बोलते हैं, एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। आप देखिए यहाँ पर हम मस निकालेंगे तो मस किसको कहते हैं, तो जो संख्या दोनों में मिले उसको मसक कहते हैं, जो दोनों में मिले वो क्या होगा, तो जो दोनों में जैसे कि दो इसका जोड़ा मिल गया, इस दो का भी जोड़ा मिल गया, मिल गया, तो जो जो मिल गया उसको यहाँ पर मसा मिल गया, एक दो मिला, एक और दो मिल गया, दोनों में एक उनको दो मिल गया। लेकिन ऊपर तीन है, क्या नीचे आपको तीन मिल रहा है? अब नीचा दो है तो क्या ऊपर में एक को दो बचा है? नहीं ना, नीचे पांच फिर ऊपर पांच है नहीं है, एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, एक का हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे ना करेंगे तब पर भी वैसे ही है। तो जो आप मिलेगा जो दोनों में मिलेगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे, वही हमारा क्या होगा, मस कभी होगा, तो दो में दो से गुना करेंगे, दो दूना चार। अब बात आ जाएगी कि सर लस कैसे निकालेंगे, यानी लवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आप देखिए लस में क्या होता है, तो लस में जो जोड़ा मिला, लस में जो जोड़ा मिला उसको भी लिख लेंगे, तो जोड़ा तो इसी दूनी का मिला था तो वह दोनों लिख लेंगे, लेकिन जो बच गया उसका अगर जोड़ा नहीं मिला है फिर भी उसको भी लिख लेंगे। लस हमें यह बताता है कि अगर जोड़ा मिला तो उसको सिर्फ वही लिखेंगे, लेकिन अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसको भी हम लिख लेंगे, यानी दो भी बच गया, तीन भी बच गया और पांच भी बच गया, था एक दो एक तीन एक या पांच, और ये दोनों तो आपका जोड़ा वाला था, समझे? तो जिसका जोड़ा ना मिलेगा उसको भी हम लिख लेंगे, वही हमारा लस होता है। अब गुना करो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ तेरी चौबीस, चौबीस पंचे 120, कितना आएगा, 124 पंचे 120। ये हमारा हो गया लस और ऊपर वाला हो गया हमारा मस। फिर से देखिए कमर तम आपको बता रहे हैं कि क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको मस और लस ज्ञात करना। यहाँ पर हम 12 40 के एक एग्जांपल दिए हैं, सपोर्टेड आपको यहाँ पर बेसी भी मिल सकता है, 100 200 500 600 कुछ भी दे सकता है, तो जो भी नंबर है अगर आपको हो सके यहाँ पर हम दो डिजिट दिए, दो अंक वाला है, हो सकता है कि यहाँ पर अगर तीसरा अंक भी डाल देता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, तीसरा अंक भी डालेगा तो तीसरे को हम ऐसे ही निकालेंगे, समझे? पहले इसी प्रकार से लिखेंगे, दो गो अंक दिया था हम दो मरते लिखे, अगर आपको तीन गो मिलता है तो तीन मरते इसको लिख लीजिए, चार गो मिलेगा तो क्या मरते लिखेंगे, चार गो, चाहे दस गो मिले तो दस मरते लिखेंगे। फिर उसके बाद जो जैसे जैसे हम इसको काटे हैं उसी प्रकार से इसको हम वो नंबर लिख करके उसके सामने जय जैसे लगाए उसको हम ऐसे लिख लेंगे, दो को लगाए तब तो दो दो को कैसे करके लिख लिया, अब तीन को होगा तो यहाँ पर तीसरा लाइन लेकर यहाँ पर डालते हैं, चार को होता तो यहाँ पर चौथा लाइन लेकर डालते हैं, और मसा पहले निकालते। अगर मसा पूछता, अगर खाली मसा पूछेगा तो मसी वाला काम करना, और खाली लसा पूछता तो खाली लसी बनाना, अगर दोनों पूछता तो वैसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई दिक्कत। मसा पूछेगा अगर हमारा तीन गो लाइन वाला है तो तीनों में मिलेगा वही निकालेंगे, चार गो लाइन होगा तो चारों में मिलेगा वही निकालेंगे, चाहे पांच गो लाइन होगा तो पांचों में मिलेगा वही निकालेंगे, वही हमारा मसा होगा। यानी ऐसे हमारा मसा नहीं होगा, ये ना कहेंगे कि दो गो में मिल गए तो मसा हो गया, हमें अगर जय को नंबर वाला में रहेगा, हम तो यहाँ पर दो दिए थे तब ना, अगर और बेसी होता
तो जय गो में मिलता तभी होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम तीसर लाइन लिख लेते, ये दो है या यहूँ में दो मिल जाता, लेकिन ऊपर का में दो नहीं है, देख क्या हम उसको मसा में लिखते, कभी नहीं लिखते, क्योंकि मसा में लिखने का मतलब है कि हम जय गो संख्या लिखेंगे सब में मिलना चाहिए, और जो मिल गया उसको अलग लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वह हमारा हो गया मसा। आज जो मिला उसको भी लिखेंगे, आज जो छूट जाएगा उसको अलग से लिख करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा लसन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।